वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशान भारद्वाज और हमने पिछले क्लास में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। आज अपन जो आपके नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसका नाम है आपका पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप समझाने से पहले मैं एक बार आपको 11th क्लास के आपके जो कॉन्सेप्ट थे वहां पे लेके चलता हूं। तो आइए, आप 11th क्लास में जब आपने पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल बिजनेस करता है, तो उस बिजनेस को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप। तो ये प्रोप्राइटरशिप जो जब इंडिविजुअल व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो वो सबसे पहला अकाउंट बनाता है आपके, उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां आपके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इसके बाद जो अगला अकाउंट बनाता है वो बनाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहां आपके नेट प्रॉफिट निकल जाता है। इसके बाद अगला अकाउंट जो आपके बनाता है वो बनाता है आपके बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहां कैपिटल में ये जो नेट प्रॉफिट आया वो यहां पे ऐड कर देता है और ये अमाउंट यहां आ जाता है। तो जब इंडिविजुअल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उनमें इस तरीके से आप अकाउंटिंग करते हैं। अब आते हैं अपन 12th क्लास में। यहां सिर्फ एक व्यक्ति था, मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम था ए, और यहां दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो है ए और बी। अब जब ए और बी के जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो सबसे पहला अकाउंट बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद आपका नेक्स्ट अकाउंट आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां आपका आ गया नेट प्रॉफिट। तो जैसे ये नेट प्रॉफिट आपके यहां आया, तो नेट प्रॉफिट आते ही यहां पे ये समस्या हो गई कि अब आपके पास दो पार्टनर है ए और बी। अब ये नेट प्रॉफिट आपके ए और बी में बटेगा, और ए और बी में ये नेट प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा या किस रूल के तहत बनेगा? तो कभी कभार क्या हुआ कि इस नेट प्रॉफिट किस अनुपात में बटेगा इसके कारण पार्टनर्स में डिस्प्यूट होने लग गए। तो इस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया। और इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बेसिकली दो बातें हैं। पहला आपका अकाउंट्स और दूसरे आपके लॉज। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपका ये कहता है कि आपको अकाउंट बनाने हैं पर एज पर लॉज। तो अपन लॉज देखेंगे कि कौन कौन से लॉज हैं। इससे पहले आपका पहला अकाउंट बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड अकाउंट आपका बन गया पीएनएल अकाउंट, थर्ड अकाउंट आपका यहां बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद फोर्थ आपका अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपका पांचवा अकाउंट यहां बनेगा बैलेंस शीट। अब आप सभी स्टूडेंट्स 11th क्लास में ये देखते हुए आए हो कि जब आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे तो इक्वेशन बहुत लंबा हो जाता था, पर लेकिन जब आप ये ट्रेडिंग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाओगे तो क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा। इसलिए आपके पार्टनरशिप के टॉपिक में जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो आपसे पूछेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट वो आपसे नहीं बनवाएगा। स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में वो आपसे ये दो अकाउंट बनवाएगा, और उसके बाद जब आपके आगे के चैप्टर्स में अपन जाएंगे तो वो आपसे बैलेंस शीट भी बनवाएगा। तो यहाँ पार्टनरशिप में यदि आपको पार्टनरशिप समझनी है तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसके साथ आपको बैलेंस शीट पे कमांड आपकी होनी चाहिए। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, इन तीनों को बनाने के लिए आपको पहले पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लॉज है वो आपको समझने पड़ेंगे। तो अपन मैं एक बार आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक बार लॉज बताता हूं। तो आइए अपन लॉज से स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें आपके मैं आपको चार बातें समझाऊंगा। पहली बात है आपकी यहां पे डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें क्या बताया गया आपके डेफिनेशन पार्टनरशिप की, सबको पता है कि मिनिमम दो व्यक्ति, मिनिमम दो पर्सन या मैक्सिमम 50% मिलके जॉइंट में कोई बिजनेस करते हैं फॉर द मोटिव ऑफ द
प्रॉफिट, यदि वो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे तो ही आपकी पार्टनरशिप कहलाएगी, यदि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे तो वो आपके पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो आइए मिनिमम 2% और मैक्सिमम 50% ज्वाइन बिजनेस फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, ये आपके होगी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। इसके बाद हम जब आपका सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो इसमें सेकंड पॉइंट आपका है कि देयर शुड बी एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट आपका रिटन भी हो सकता है या आपका एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए एग्रीमेंट रिटन है तो ये रिटन एग्रीमेंट आपका कहलाएगा पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी बातें लिखी जाएंगी कि कौन कौन पार्टनर हैं वो, और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगी नहीं होगी, बहुत सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। अब आइए आपका तीसरा पॉइंट आपका यहां है कि अकाउंट्स शुड बी मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब क्या समझे आप यहां पे कि आपके पार्टनरशिप में आपके जो भी आप अकाउंट्स बनाओगे ना वो अकाउंट्स आपके पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे ही बनेंगे। अब आपका चौथा पॉइंट इसमें ये है कि मान लीजिए पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई या आपने ओरल एग्रीमेंट कर लिया। तो यदि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या आपने ओरल एग्रीमेंट कर लिया तो इस स्थिति में आप पे कौन कौन से रूल्स लगेंगे वो रूल्स मैं एक बार आपको समझाता हूं। पार्टनरशिप डीड नहीं या फिर ओरल एग्रीमेंट, इस स्थिति में जो कॉमन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने ही है वो ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इट मींस मान लीजिए ए और बी काम कर रहे हैं और उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है या उन्होंने आपस में कोई ओरल एग्रीमेंट किया हुआ है कि मान लीजिए कि भाई 70-30 का उनके बीच एग्रीमेंट है, लेकिन यदि उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस स्थिति में जो अकाउंट जो बनाए जाएंगे वो आपके इक्वल प्रॉफिट में बनाए जाएंगे, इट मींस 1:1, इट मींस 50-50 के वो पे वो बनाए जाएंगे। अब आइए आपका अगला पॉइंट, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तीन पॉइंट है नॉट अलाउड। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है या ओरल एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स पर नहीं शो करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी नॉट अलाउड, और सैलरी बोनस या कमीशन टू पार्टनर्स। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है या ओरल एग्रीमेंट है तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड है, और ना ही आपके सैलरी बोनस या कमीशन टू पार्टनर्स अलाउड है। इसके बाद पांचवा पॉइंट आपका यहां पे है पार्टनर्स लोन टू फर्म। मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, ठीक है, और इस लोन के संबंध में ना तो आपकी पार्टनरशिप डीड में इस संबंध में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इस संबंध में आपको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है या ओरल एग्रीमेंट है तो ये पांच रूल आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब भी आप आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उस समय आपके ये पांच रूल्स आपके काम आएंगे। तो ये मैंने आपको जो लॉस थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मैं आपको आपके जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अकाउंट बनेंगे, पहला अकाउंट का नाम आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरे अकाउंट का आपका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो मैं आपको समझाऊंगा। आइए अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब आप अकाउंट बनाओगे, आपको इसको बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि यहाँ बेसिकली छह आइटम्स आपके आएंगे। ओके, पहला आइटम जो आपके यहाँ पे आएगा वो आपके आएगा भाई पीएनएल, ठीक है। यहाँ आएगा आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट, नेट प्रॉफिट का आपके यहाँ अमाउंट आ गया। सेकंड आपका इसमें जो आएगा वो आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, इसका अमाउंट यहाँ आएगा, इसका अमाउंट यहाँ आएगा और ये अमाउंट फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपके यहाँ ए है और ये आपके यहाँ बी है। इसके बाद आपके यहाँ आएगा सैलरी, बोनस या कमीशन, ए का और बी का, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। इसके बाद आपका जो अगला आइटम यहाँ पे आएगा वो आपके आएगा ट्रांसफर टू रिजर्व। मान लीजिए आपकी एक पॉलिसी है कि भाई जितना भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें से आपको 10% या 20% या 5% वो आप हर साल रिजर्व में डालते हो, ताकि आपको फ्यूचर में किसी अमाउंट की जरूरत हो तो आप रिजर्व में से निकाल सको, तो वो अमाउंट भी आप यहाँ ट्रांसफर टू रिजर्व में निकालोगे। इसके बाद जो आपके यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर से जो आपके जो अमाउंट बचेगा वो आपके यहाँ बचेगा, उसका नाम है डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट आप यहाँ पे ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये जो ए करोगे ये आप किस रेशियो में करोगे, ये आप करोगे आपके प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर रेशियो आपका पार्टनरशिप डीड में दिया गया होगा कि भाई इनके, कि भाई ए और बी के बीच क्या पीएसआर है, उस रेशियो में आप बांट दोगे। मान लीजिए आपके पीएसआर आपके पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया गया, तो उस स्थिति में आप यहाँ पे ये अमाउंट यहाँ पे आप इक्वल बांटोगे। ओके, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मुख्य रूप से जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। तो ये छह आइटम्स इसमें आपको आपके दिमाग में बैठाने हैं, भाई पीएनएल से आ गया नेट प्रॉफिट, इसके बाद यहाँ आपके आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसके बाद यहाँ आपके आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरी बोनस कमीशन टू, ओके, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, और जो अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से बचेगा वो आपका बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट का। इसके बाद अब मैं आपको जो नेक्स्ट अकाउंट समझाऊंगा वो आपका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए अपन पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझाने के लिए मैं आपको एक बार फिर से 11th क्लास में लेके जाऊंगा कि जब अपन इंडिविजुअल का कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो अपन किस अकॉर्डिंग बनाते थे। आइए मान लीजिए पहले एज का कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे बनाते थे, तो जब ए कैपिटल लेके आता था तो अपन यहाँ क्या क्या लिखते थे भाई, कैश, ठीक है। अब अपन आगे 12th क्लास में, ये 11th का कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए 12th क्लास में आप बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म में और आपके यहाँ 5 पार्टनर हैं, तो यदि आप ऐसे एक एक पार्टनर का यदि आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए आपको जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं वो आपको इनके इनके कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस हिसाब से बनेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ आपके ये आपके हो गया पर्टिकुलर। इसके बाद मान लीजिए दो पार्टनर आपके ए और बी, ये आपके हो गया ए, ये आपके हो गया बी, फिर पर्टिकुलर, ये आपके हो गया ए और ये आपके हो गया बी, ठीक है। अब आइए अपन स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको दो बातों का जो स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि दो आइटम्स आपको क्वेश्चंस में से ढूंढ के इसमें डालने पड़ेंगे, बाकी आइटम्स आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से, इसमें से बाकी आइटम्स आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, इसलिए आपको उन आइटम्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको दो आइटम्स याद रखने हैं कि आपको कौन से इसमें डालने हैं। इसमें आपका पहला अमाउंट जो आप पहला आइटम जो आपका आएगा वो आपका आएगा बाय बैलेंस बीडी। इट मींस आपको क्वेश्चन में से ये देखना है कि क्वेश्चन में जो आपकी जो कैपिटल चली हुई आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, तो बाय बैलेंस बीडी में आपके ये आ गया।
मान लीजिए कि ये तो बिजनेस पहले से चला हुआ आ रहा है, इसलिए आपका बाई बैलेंस बीडी आ गया। अब मान लीजिए कि आपने इसी साल ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ बाई बैलेंस बीडी की जगह आपके यहाँ आएगा बाई कैश। ठीक है, तो एक तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, और सेकेंड आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है ड्रॉइंग्स का। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो आपको क्वेश्चन मुझे देख के कैपिटल का अमाउंट लिखना है, और यदि आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स का अमाउंट दिया गया है तो वो आपको यहाँ लिखना है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपके क्वेश्चन में से मैं अभी आपको समझाऊंगा कि आपके किस किस अकॉर्डिंग आएगी, तो उनकी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार में बहुत बेसिक समझा रहा हूँ। इसमें आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आगे आगे जाके दो प्रकार से बनते हैं, पर अभी अपन उन दो प्रकार को नहीं समझते हुए, क्योंकि क्योंकि अपनी ये पार्टनरशिप की पहली क्लास है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बाकी चीजें कैसे आएंगी। ये मान लीजिए आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपका अकाउंट है। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में मैंने आपको समझाया था, यह आएगा आपका भाई पीएनएल नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद यह आपके था भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसके बाद आपके यहां था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था ए का और बी का। इसके बाद आपके यहां थी सैलरी या बोनस, वो भी ए का और बी का। इसके बाद आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी ड्रॉइंग्स हो गई, एक था आपका ट्रांसफर टू रिजर्व, और एक आपका था डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट भी आपका ए का और बी का था। तो इसमें मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि जब लेजर टू लेजर कोई बैलेंस आता है, वो जाता है आपका डेबिट से क्रेडिट में और क्रेडिट से डेबिट में। अब ये चीज आप डेबिट क्रेडिट आपको समझाने की बजाय मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको बैलेंसेज इस तरीके से भेजने, ऐसे क्रॉस बैलेंसेज आपको भेजने हैं। मान लीजिए कोई आपका यहां जो बैलेंस है, यहां जो आपका बैलेंस है वो जाएगा आपका यहां, ठीक है, और यहां जो आपकी बैलेंस है वो जाएगा आपका यहां। ठीक है, आपको सीधे बैलेंसेज को ना भेजते हुए आपको क्रॉस बैलेंसेज भेजने हैं। यदि आप क्रॉस बैलेंसेज भेजते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो आइए, आपका यहां जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये है एज अकाउंट का और बीज, एज का और बीज का, तो यहां आ जाएगा आपका भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपका कितना, ए का, ए में ए का अमाउंट डाल दीजिए, बी में बी का अमाउंट डाल दीजिए। सैलरी कोई दी है तो यहां डाल दीजिए भाई सैलरी, ए में ए की बी में बी की। डिविजिबल प्रॉफिट जो आपका यहां जो प्रॉफिट आया उसको आप डाल दीजिए यहां बाई प्रॉफिट, ए का ए में और बी का बी में। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का आपके जो अमाउंट है वो आपके अमाउंट जाएगा यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से, ए में ए का और बी में बी का। इट मींस यदि आपको समझ में आया हो तो मैंने आपको एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाया है, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ये जाएंगे ऐसे जिगजैग में लाइक दिस, यहां का अमाउंट यहां आएगा, यहां का अमाउंट यहां आएगा, क्रॉस आपको भेजने हैं। आपको ये समझ में आया, तो यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार आपको ये वापस समझ देता हूं। मान लीजिए ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बना लिया अपन ने, ठीक है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, पहले आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, उसके बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। पर्टिकुलर ए एंड, ठीक है, इसमें यहां आपके जो साइड की जो मदे आएंगी वो आपकी मदे जाएंगी यहां पे, यहां की जो मदे आएंगी वो आपकी आइटम्स आएंगे यहां पे। ठीक है, क्योंकि ये डेबिट साइड है, डेबिट का अमाउंट यहाँ क्रेडिट में जाएगा, इस हिसाब से आपको क्रॉस अकाउंटिंग करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी सा मैंने आपको दो अकाउंट यहाँ में समझाए हैं। पहला अकाउंट है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके 6 आइटम्स हैं, वो 6 आइटम्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगला आपका अकाउंट है, उसका आपका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक आपको जो आपकी जो कैपिटल जो ब्रॉड फॉरवर्ड चली आ रही है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, और इसके साथ साथ जो आपकी जो ड्रॉइंग्स है वो आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, जो आज अपने जो ये सारे जो कॉन्सेप्ट समझे हैं उसका मैं एक आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। क्वेश्चन
ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे देखिएगा। तो मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा और क्वेश्चन के साथ साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन की समरी भी बनाता चलूंगा। तो जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो जब आप क्वेश्चन की समरी क्वेश्चन के साथ साथ बना लोगे तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए, ए एंड बी आर पार्टनरशिप विथ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड ₹15 लाख। इट मीन्स यहाँ आपके दो पार्टनर हैं ए एंड बी, इन्होंने कैपिटल कितनी लगा रखी है, ए और बी, ए ने लगा रखी है 10 लाख, बी ने लगा रखी है 15 लाख। इसके बाद आपका है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वाज ₹6 लाख। नेट प्रॉफिट जो आपका है वो आपका है 6 लाख रुपीज, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगली चीज है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, पार्टनरशिप डीड में ये चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। पहली चीज है ए इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹5,000 per month। अब मिल रही है सैलरी, ठीक है, ए को मिल रही है 5,000 per month, बी को मिल रही है, बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹6,000 per quarter, तो 6,000 per quarter, ठीक है। इसके बाद आइए सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% per annum। यहां आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दी कितनी, 10% per annum, ठीक है। अगले आइए आप, ये बोल रहे 10% ऑफ प्रॉफिट शुड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो ये जनरल रिजर्व में आपका डाल रहा है 10% प्रॉफिट, ये जनरल रिजर्व में आपको ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है बी इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल, और सेल है आपकी 5 लाख रुपए की, तो ये मिल रहा है बी को, बी को कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है बी को कितना, 10% ऑन सेल, और सेल है आपकी ₹5 लाख, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर ए एंड बी वर ₹60,000 एंड ₹50,000, ठीक है। ड्राइंग्स बताई गई है कि उन्होंने ड्राइंग्स कितनी की है, ड्राइंग्स की है उन्होंने ए ने और बी ने, ए ने की है 60,000, बी ने की है 50,000। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए बीइंग ₹6,000 एंड फॉर बी ₹4,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका है ए की और बी की, ए की आपकी है ₹6,000 और बी का आपका है ₹4,000। इसमें आपको क्या बनाना है, इसमें आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 6 आइटम्स बताए थे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मैंने आपको समझाया था। तो अपन एक बार स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। देखिए स्टूडेंट्स, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आइए आप, सबसे पहले मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो चीज बताई थी वो आपकी यहां आएगी भाई, पीएनएल नेट प्रॉफिट है आपका, नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए आप, नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹6 लाख, ठीक है। इसके बाद यहां आपके जो दूसरे आइटम आएगा वो आपका आएगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स की अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स ए का है और बी का है, कि कितना अमाउंट है फ्रेंड्स, 6,000 और 4,000, ये आपका आ गया 6,000 और 4,000, ये आपका आ गया 10,000, ये आपका हो गया इधर वाली साइड। यहां आपके मैंने बताया था, यहां आपके आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का दोनों का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको ये बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको है 10% per annum, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% per annum। ये किस पे मिलेगी आपको, ये आपको मिलेगी
जो आपने जो कैपिटल मार्क कैपिटल आपने जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रखी है, तो ए ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है 10 लाख रुपीज, बी ने कर रखी है 15 लाख रुपीज, तो इस पे आपको मिलेगी ये देखिए 10% पर एनम। तो यहाँ आपको वर्किंग नोट बनाना है और वर्किंग नोट में आपको ए की और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, 10 लाख इंटू 10/100, ये आपके आ गई 1 लाख रुपए, और एक आपके 15 लाख रुपीज, तो 15 लाख का जब आप 10% निकालोगे ये आपका आएगा ₹1,50,000। ठीक है, ये अमाउंट आप यहाँ ले आइए 1 लाख और 1,50,000। ठीक है, ये आपका आ गया 2,50,000। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपने यदि कोई सैलरी या कोई बोनस या कोई कमीशन आपने यदि दिया है, तो सैलरी यहाँ आप ए को भी दे रहे हो और बी को भी दे रहे हो, तो ठीक है ए और बी, ए को सैलरी आप कितनी दे रहे हो 5,000 रुपीज पर मंथ, तो पर मंथ यहाँ इस वर्ड पे आपको फोकस करना है, पर मंथ है, इट मीन्स ये 1 महीने की है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन 12 महीने का बना रहे हैं, तो 5,000 × 12, तो ये आपका अमाउंट आएगा, इसका आपका आएगा 60,000। ठीक है, इसके बाद आप बी में आइए, बी में आपके लिखा हुआ है 6,000 per quarter, एक साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर के आप उसको 6,000 रुपये दे रहे हो, तो 6,000 × 4, ये आपका आ गया 24,000, ये आपका आ गया 84,000। ठीक है, इसके बाद आप आइए कमीशन में, कमीशन आपके है, कमीशन वो दे रहा है सिर्फ आपके बी को, और बी को वो आपको कमीशन कितना दे रहा है 10% ऑन सेल, और सेल का अमाउंट आपके यहाँ है 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख रुपीज का जब आप 10% निकालोगे वो आपका आएगा 50,000, ये आपका आ गया 50,000, ये सीधा यहीं आ गया। ठीक है, अब आगे आप आइए, आगे मैंने आपकी चीज बताई थी आपको ट्रांसफर टू रिजर्व, तो ट्रांसफर टू रिजर्व वो यहाँ कितना कर रहा है आपके 10% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका कितना है टोटल 6 लाख रुपीज, तो 6 लाख रुपीज का 10% आपका होगा 60,000। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जो आपका जो अमाउंट बचेगा वो आपका बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट, और ये आपके है बैलेंसिंग फिगर से, ये आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहां आपका बच गया ये ए और बी। अब देखिए आपके इतना आपको क्वेश्चन बता दिया, तो पार्टनरशिप डीड में जो बातें लिखी गई थी उसमें कहीं ये लिखा गया था क्या कि भाई ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? नहीं लिखा गया था, तो अपन क्या मानेंगे, यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बताया गया है, इट मीन्स ए और बी में वो आपको इक्वली बांटना है। तो अब आप इसका टोटल लगाइए एक बार, इसका आपका टोटल आएगा 6,10,000, और इसके टोटल में से आप एक बार जब ये लेस करोगे ये आपका आएगा, ये आपका टोटल बचेगा 1,66,000। ठीक है, और इस 1,66,000 को जब आप इक्वली बांटोगे, इस 1,66,000 को जब आप इक्वली बांटोगे वो आपका ए में बढ़ गया 83,000 और बी में वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा 83,000। ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अपन आगे जो अपन को अकाउंट बनाना है उसका नाम आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब जब अपन बनाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए अपन को इसमें यह देखना पड़ेगा कि अपन को इन डिटेल की कोई नीड नहीं है, तो एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका इसी डिटेल से बन जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं, आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे उसका आपका नाम है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपके यहाँ आएगा ए, यहाँ आपके आएगा बी, इसके बाद यहां आपके आएगा पर्टिकुलर्स, यहां आपके आएगा ए और यहां आपके आएगा बी। तो जब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे उस समय मैंने आपको यह समझाया था
कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बाई बैलेंस बीडी आपका कितना आएगा। तो बाई बैलेंस बीडी को जब अपन यहाँ पे देखेंगे, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि बाई बैलेंस बीडी मतलब कैपिटल का ब्रॉड फॉरवर्ड का बैलेंस कितना है। तो वो आपके है ए का 10 लाख रुपीज, बी का है आपका 15 लाख रुपीज। ए में आपके आ गया 10 लाख रुपीज, बी में आपके आ गया यहाँ पे 15 लाख रुपीज। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड का ध्यान रखना है, इसके बाद आपको जो आपके जो ड्रॉइंग्स का अमाउंट है उसका आपको ध्यान रखना है। ड्रॉइंग्स का अमाउंट आपके यहाँ पे है 60,000 और 50,000, ए की 60,000 है और बी की 50,000 है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि बस इन दो आइटम्स का आपको अपने दिमाग में सेटल रखना है, उसके बाद आपको इस तरीके से आपके जो यहाँ अमाउंट आएगा वो आपका यहाँ आएगा, यहाँ जो आपके आएगा वो आपका यहाँ आएगा। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो यहाँ जो ए और बी में जो चीजें आई हैं वो ए का ए में आएगा और बी का बी में आएगा। आइए सबसे पहले आपका क्या है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की 1 लाख रुपीज, बी की 1,50,000 रुपीज। तो ए की हो गई आपके 1 लाख रुपीज और बी की हो गई आपके 1,50,000 रुपीज। इसके बाद आइए सैलरी आपने दी है ए को 60,000 रुपीज और बी को दी आपने 24,000 रुपीज। तो बाई सैलरी ए की 60,000, बी की आपके 24,000। इसके बाद आप आइए कमीशन, कमीशन मिला है सिर्फ बी को, कमीशन मिला है सिर्फ बी को और जो कमीशन मिला है उसका आपका अमाउंट है 50,000 रुपीज। तो यहां आपने लिखा बाई कमीशन, ए को आपने कोई कमीशन नहीं दिया, बी को आपने कमीशन दिया 50,000, तो बी का ये आ गया 50,000 रुपीज। ट्रांसफर टू आपने यहाँ पे रिजर्व किया है वो आपको, वो आपने ना ए को किया और ना आपने बी को किया, इसलिए वो अमाउंट आपके यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद आपने डिविजिबल प्रॉफिट आपका है ए के 80,000 रुपीज और बी के 80,000 रुपीज, यहाँ आप डालिए भाई प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट डाल दीजिए, ये आपका आ गया 83,000 और ये आपका आ गया 83,000। ठीक है, ये आपके ये साइड कंप्लीट हो गई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। इसके बाद आप यहाँ आइए आपके इधर, तो नेट प्रॉफिट अमाउंट है 6 लाख रुपीज, ये आपने ए और बी में ट्रांसफर नहीं किया इसलिए ये यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद ए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए की और बी की, ये आ गई आपके 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी है 6,000 और 4,000। जब आप इधर से यहाँ के आइटम्स यहाँ डालोगे और यहाँ के आइटम्स यहाँ डालोगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको वही आइटम्स यहाँ पे डालने हैं जो ए और बी के हैं, मतलब ए और बी जहां जहां जो जो नाम लिखा हुआ है वो आइटम्स आपको डालने हैं। जैसे बाई नेट में लिखा हुआ है ये अपन ने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा हुआ है वो अपन ने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद ये सारे अमाउंट जब अपन ने लिख लिए तो ये आपका बचेगा यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये आपका बचेगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से। तो अब आप एक बार इसका टोटल लगा लीजिए यहाँ पे और यहाँ इन अमाउंट में से एक बार आप ये अमाउंट लेस कर दीजिए और ये जो अमाउंट यहाँ पे बचेगा वो आपका आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसका आप टोटल लगाओगे ये आपके आएगा 12,43,000 और ये इसका जब आप टोटल लगाओगे ये आपका आएगा 18,07,000। ठीक है, इस अमाउंट में से जब आप ये अमाउंट जब आप लेस करोगे ये आपके आएगा यहाँ पे 11,77,000 और ये आपके यहाँ पे आएगा 17,53,000। ठीक है, ये अकाउंट आपका हो गया बंद, ये आपका आ गया 12,43,000 और ये आपके आ गया 18,07,000। ठीक है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन इसका समझा दिया है। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। ये अपन ने बहुत एक बेसिक सी प्रॉब्लम ली थी, हालांकि इसमें जो आइटम्स थे या जो कैलकुलेशन थी वो बहुत सारी थी, ये मैंने आपको समझा दी। पर अब पार्टनरशिप में सिर्फ अगर यही कॉन्सेप्ट होगा तो वो तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये आपके बुक में एक मेजर टॉपिक है, इसमें जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो अमाउंट जो आइटम्स आपको दिए गए हैं, आगे अपन को इसमें किस किस आइटम्स में समस्या हो सकती है उसका मैं आपको एक बार छोटा सा हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लासेज में वो मैं आपको बेटर तरीके से समझाऊंगा। इसमें आपको कभी कभार
इस नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, ये कभी कभार क्वेश्चन में सीधा नहीं दिया गया होगा, इसके अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जब अपन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी मैं एक 30 से 35 मिनट की मिनिमम क्लास आपको मैं सेपरेट आपको समझाऊंगा, तब आपको जाके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग समझ में आएगा। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपन को क्वेश्चन में सीधा दिया हुआ था, इसलिए अपन को दिक्कत नहीं आई। इसके बाद मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाऊंगा। तो इसके बाद ये आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी पार्टनरशिप में, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये क्लास मैं आपकी जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। आज का जो आपका टॉपिक था, बेसिक टॉपिक था, वो आपका एंड हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।